मध्य प्रदेश में विधानसभा चुनाव में राजनीतिक दलों ने हुंकार भरना शुरू कर दिया है। आम आदमी पार्टी ने पत्रकार वार्ता कर घोषणा की है कि आगामी विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी 230 सीटों पर चुनाव लड़ने जा रही है। विधानसभा में प्रत्येक विधानसभा में अपनी पार्टी के उम्मीदवारों को उतारने वाली है। वही पार्टी ने 10 सुविधाओं वाली गारंटी पत्र भी जारी कर दिया है। पार्टी कटनी अध्यक्ष सुनील मिश्रा ने पत्रकार वार्ता करते हुए बताया कि आम आदमी पार्टी दिल्ली में चुनाव लड़ी और सरकार बनाई, पंजाब में चुनाव लड़ी और सरकार बनाई, अब मध्य प्रदेश की बारी है जहां पूरी सीटों पर अपने उम्मीदवार खड़ा करेगी और सरकार बनाएगी। मध्य प्रदेश में बीजेपी कांग्रेस को जनता ने देखा, अब तीसरे विकल्प के रूप में आम आदमी पार्टी को जनता देख रही है और 10 गारंटी देने का वादा कर रही है। आज आम आदमी पार्टी जिला इकाई कटनी द्वारा जिला कार्यालय में प्रेस कॉन्फ्रेंस का आयोजन करके माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने मध्य प्रदेश की आम जनता को राहत देने के लिए 10 गारंटी जारी की है। गारंटी कार्ड जारी किया माननीय अरविंद केजरीवाल जी ने। उस गारंटी कार्ड को हमारे आम आदमी पार्टी के कार्यकर्ता हर घर घर में जाकर के गारंटी कार्ड पहुंचाएंगे और इस गारंटी कार्ड को जहां तक हमें गारंटी कार्ड नहीं पहुंचा पा रहे हैं तो इस गारंटी कार्ड में एक ही नंबर है, ये 7471111150। इसमें कॉल करेंगे तो आपके मोबाइल पर एक लिंक आएगी, जिसको लिंक करने पर आपको एक गारंटी कार्ड प्राप्त हो जाएगा। माननीय अरविंद केजरीवाल की आम आदमी पार्टी की जो गारंटी है वो गारंटी ही है